येन धौता गृह पुंसाम विमलई पुत शब्द वारी भी तमस्याज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। अत्र पुनः स्वागतम वर्तते समेशाम अस्याम कक्षायाम। सैषा कक्षा पुनः प्रारब्धा वर्तते। अद्य प्रकृति भाव प्रकरणे सूत्रमस्ति वाक्यस्य टे प्लुतः उदात्तः। एतत् अधिकार सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अधिकारः अग्रे आयास्यति। अतः चतुर्पदात्मकम् एतत् सूत्रं वाक्यस्य इति षष्ठीवचनान्तम् एकं पदं, टेः इति द्वितीयं पदं, प्लुतः इति तृतीयं पदम्, उदात्तः इति चतुर्थं पदम् आहत्य अस्य सूत्रे वर्तते। उत्तरेषु सूत्रेषु अस्य सूत्रस्य अधिकारः भविष्यति। प्रत्येक द्वितीयं सप्तम्यन्तं पदम् अशुद्धविषये तत्र गुरु जी बाधो जायते बाधो ध्वनि जायते। श्रूयते वा? बाधो जायते बाधो जायते कट कट जाता है। अंतरा आवाज साफ नहीं आ रहा है। अंतरा ध्वनि अंतरा ध्वनि आयाति अंतरा अंतरा गच्छति। ध्वनि सम्यक न आयाति है ना, हाँ मध्य मध्य कर्तनम भवति। हाँ मध्य मध्य तो विच्छेदो भवति। नेटवर्क समस्या। नेटवर्क बाधा है। आम हाँ गुरुदेव नेटवर्क समस्या वर्तते, परंतु किंचित समय अनंतरम सर्वं भविष्यति। मम ध्वनि श्रूयते न वा? न श्रूयते गुरुदेव। ध्वनि ध्वनि श्रूयते अंतरांतर सम्यक विच्छेद हो जाएते बाधो जाएते अंतरांतर छेद हो जाएते। सम्यक्तया ध्वनि न आगच्छति। अत्र नेटवर्क समस्या एव वर्तते, तस्मात् कारणात् न श्रूयते। इदानीं ध्वनि श्रूयते इदानीं पूर्वं श्रूयते किञ्चित् सम्यक अभवत्। ध्वनि श्रूयते ध्वनि श्रूयते सत्यमेव अंतरा बाधो जायते। आप जो बोल रहे हाँ हैं वो काट कट जाता है। खने नहीं अब ठीक है आयाति अब खने आयाति खने गच्छति। खाने भवताम सर्वेशाम ध्वनि आयाति। भवंत म्यूट भवंतु। आप सब म्यूट हो जाइए, शायद फिर ध्वनि ठीक हो जाएगी। हाँ इदानीम समय ध्वनि समीचीनम आगच्छति गुरुजी। प्रारंभ करो हाँ तो गुरुजी। ठीक है ठीक है ठीक है, आम सुनिए। गुरु हाँ ध्यान से सुनिए। प्रत्यविवादे सूद्रे यह जो वाक्य है, इस वाक्य से, इस सूत्र से हम पुलुत तो विधायक सूत्र है ये। अशूद्र विषये प्रत्यविवादे यद वाक्यम। देखिए अभिवादन और प्रतिवादन
हमारे यहाँ की परंपरा है अभिवादन करना, और उसका उत्तर जो दिया जाता है आशीर्वाद तो हम प्रत्यभिवाद के समय में जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, अभिवादन करते समय वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो अभिवादन करते समय अपना अपना गोत्र का नाम इत्यादि का उपयोग करते हुए एक ऐसी परंपरा पहले से हमारे यहाँ वैदिक परंपरा चली आ रही है, उसी को बतलाने के लिए व्यवहार को समझाने के लिए भगवान पाणिनि ने यह सूत्र बनाया है कि किसको कहाँ पुलुत करना है, किसको पुलुत नहीं करना है, अभिवादन करते समय और उसका उत्तर देते समय जब प्रत्यभिवादन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, तो उस समय जो स्थिति होती थी उस समय के समाज में जो जो प्रचलित था व्यवहार, वही व्यवहार इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो अशूद्र विषय न शूद्र इति अशूद्र तस्य अशूद्रस्य विषये न इति अशूद्र विषय, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय विट ये विट संज्ञकाः वैश्याः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः तेषां समाजे केन प्रकारेण अभिवादनस्य प्रत्यभिवादनस्य वाक्यस्य प्रयोग करणीय इति एव अस्मिन् सूत्रे तस्य एव निदर्शनम् अत्र क्रियते। अस्तु, असूत्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, प्रत्यभिवादन करते समय जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है अशूद्र विषयक, शूद्र को छोड़कर, तो अशूद्र विषयक जो प्रत्यभिवादन है, तो प्रत्यभिवादन के क्रिया में जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य के टी को पुलुत होता है, ऐसा इस सूत्र का यहाँ अर्थ है। और वह पुलुत जो है सच उदात्तः, क्योंकि इस सूत्र में वाक्यस्य ते पुलुत उदात्त सूत्र समग्र पूरा सूत्र यहाँ अनुवृत्त होके आता है, तो यह पुलुत होने के बाद वह उदात्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए इन्होंने दिया है, अभिवादे देवदत्तो हम, मैं देवदत्त अभिवादन करता हूं, मैं देवदत्त अभिवादन करता हूं, इसको संस्कृत में वाक्य बोलना हो तो अभिवादे देवदत्तो हम। अब कोई व्यक्ति वृद्ध पुरुष या गुरुजन बैठे हुए हैं वहां आकर के वह व्यक्ति यह वाक्य बोलता है कि मैं देवदत्त आपको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, तो उसका जो प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसका जो आशीर्वाद के रूप में जो गुरुजनों के द्वारा उसको वाक्य कहा जाता है, उस वाक्य की तरफ इस सूत्र का इस सूत्र के द्वारा उस वाक्य की टी को पुलुत किया जाएगा। जैसे कि आगे उदाहरण आ रहा है, आयुष्मान भव देवदत्त, आयुष्मान भव देवदत्त, इस तरह से त का जो अकार है वह पुलुत हो गया। तो यहाँ पुलुत जो किया गया है टी को, वाक्य की टी उसको पुलुत होता है, तो वाक्य हो गया आयुष्मान भव देवदत्त, और उसका जो टी है, टी संज्ञक है देवदत्त का, तकार का आकार उसको पुलुत हुआ। तो देखिए, एक हमारे यहाँ समाज में परंपरा थी, उस समय प्रणाम करने का एक तरीका होता था, यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो वह कान तक हाथ ऐसे ले जा करके, ऐसे कान तक हाथ ले जा करके और सिर झुका करके वह बोलता था कि अभिवादे देवदत्तो हम, और शब्द से ही पता लग जाता था कि यह किस वर्ण का है। देवदत्त, यज्ञदत्त, रामदत्त, विष्णुमित्र, ये ऐसे शब्द हैं जो ब्राह्मण जाति के। गुरुजी 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 इधर एक जिज्ञासा है,
मल्ले जी, और तो साठों का विधान है, आत्मा नाम गुरु नामो नामाति कृपणस्य च आयुष कामो न गृहिया ज्येष्ठा पत्त कलत प्रयोग, तो कैसे वो नाम बताएगा? मान लीजिए गुरु पूछते हाँ हुए भी तो नाम नहीं बताना है ना, आत्मा नाम गुरु हाँ नाम नामाति कृपणस्य च आयुष कामो न गृहिया ज्येष्ठा पत्त कलत प्रयोग। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके समझ गए। अपना आत्मनाम कैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है, इसके पीछे इनका प्रश्न है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, पर जहां कहीं कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दूसरे गुरुकुल में या जहां अपरिचित वाली स्थिति है, देखो नाम कब लिया जाता है, नाम किस परिस्थिति में लिया जाता है, जब कोई परिचय देना हो, हम जब अभिवादन करते हैं तो नाम और गोत्र का उच्चारण करने का विधान है, यह भी शास्त्रीय विधान है कि जब हम परिचय देते हैं किसी को, तो आपका क्या परिचय है, तो परिचय देते समय हम अभिवादन करते हैं किसी सामने वाले को, जिसका हम अभिवादन कर रहे हैं उसको हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो हम नाम अपने नाम का और अपने गोत्र का उच्चारण करके फिर प्रणाम करेंगे, तो वो आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा। यहाँ पर वो आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य वाला मामला वहां होता है जहां जानबूझ करके अपना नाम लिया जा रहा हो, जहां नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जहां परिचय देना है और परिचय पूर्वक जहां किसी को बोध कराना है कि मैं कौन हूं, किसी को पता नहीं है, तो वहां पर आप नाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और न केवल नाम का और अपितु जाति का, कुल का, गोत्र का और देश का, ये चार चीजें जो ऐसी हैं किस समय में प्रयुक्त करनी चाहिए। देखिए ये प्रसंग चल पड़ा है और प्रश्न कर दिया गया है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है। मनुष्य को जन्म से चार चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो उसका नाम जन्म से प्राप्त होता है, जन्म होने के बाद ही उसका नाम उसको मिलेगा, जन्म होते ही उसको नाम नामकरण शुरू हो जाता है। दूसरा उसका कुल, कुल भी जन्म से ही मिलता है, और जाति, तो जाति, कुल और देश, जिस देश में उसका जन्म हुआ है उस स्थान का और उस देश का, उस कुल का, उस जाति का, और उसके कुछ समय बाद ही नामकरण संस्कार 8 दिन बाद 10 दिन बाद हो जाता है, दसमे हनि नाम गुरियात। परंतु उससे पहले भी उसका कोई न कोई ऐसा ही छोटा मोटा नाम रख दिया जाता है, और उसके बाद, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण का तो नामकरण संस्कार बहुत बाद में हुआ था, पर वो जिस दिन पैदा हुए उसके बाद ही लोगों ने उनका नाम लेकर के, और दूसरे दिन अच्छा अच्छा हुआ आपने कृष्ण का प्रसंग उठाया। मैं तो पहले दिन ही वो गत दिवस में कृष्ण का प्रसंग तुला था। ठीक है, अच्छा हुआ आपने उठा दिया, तो मेरा 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 बोझ हल्का हो गया। तो कृष्ण का जो नामकरण संस्कार था, बताते हैं कि जिस दिन जन्माष्टमी वाले दिन का जन्म हुआ, तो उसके दूसरे दिन ही नंदोत्सव, जब वो नंदगांव में चले गए, तो उनका नामकरण संस्कार किए बिना ही उनका नाम रख दिया गया, और उसी नाम को लेकर के ब्रजवासियों ने उनका नंदोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। कोई गोपाल कहता है, कोई नंदलाल कहता है, तो कुछ कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जन्म से ही, जन्म होते ही हमें चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। एक तो नाम प्राप्त होता है अपने आप, अकस्मात चार संपत्तियां हमारे हाथ में आ जाती हैं जन्म लेते ही, कि एक तो जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल का, आपके कुल का नाम, आपका कुल निश्चित हो गया, आपका कुल निश्चित हो गया, आपकी जाति निश्चित हो गई, आपका नाम निश्चित हो गया, और आपका स्थान, जिस स्थान में जन्म हुआ है वह स्थान भी निश्चित हो जाता है। तो जब आपका यह सब निश्चित हो ही जाता है, तो अब जैसे गुरु के पास शिष्य जाया करते थे, लोग थे, तो
आकर के जब वहां प्रणाम करते की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो कहाँ से आए हो, किस कुल के हो, किस जाति को, गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उससे पहले अपने गुरु के पास अपना परिचय देकर दे हुआ अभिवादन करता था। केवल अभिवादन ही नहीं है, अपितु अपना समूल परिचय देना ही अभिवादन कहलाता है। परिचय अपने नाम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, वहां धर्म शास्त्र का निषेध नहीं है, क्योंकि परिचय कराना है कि मैं किस नाम से जाना जाता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या है और मेरा देश क्या है। तो ऐसी स्थिति में धर्म शास्त्र का यह आदेश है कि उच्चारण, आप जो संकल्प करते हैं, जब आप कोई पुण्य कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपना नाम आप गोत्र का नाम लेते हैं कि नहीं, तो संध्या वंदना दी के मैं जा और बताना है कि मैं कौन हूँ, कि मुझे जाना जाता है और मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ। जब आप अपने गुरुजनों तब अज्ञात इस वाली स्थिति में आप अपना परिचय भी देंगे कि शर्मा हम, अवर्मा हम, ब्राह्मण है तो शर्मा शब्द का प्रयोग, क्षत्रिय है तो वर्मा शब्द प्रयोग, और वैश्य है तो गुप्त शब्द का प्रयोग, और शूद्र है दास शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये धर्म शास्त्रों का, मनुष्य आदि का आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये बातें आती हैं। चूंकि प्रसंग आ गया है इसलिए इनका पूरा विधि विधान पूर्वक इसका ज्ञान भी मैंने ये चर्चा कर दी। तो अब यहाँ गुरु पर गुरु जी, कर्ण कर्ण और कृष्ण के लिए क्या प्लुत होगा ना प्लुत नहीं होगा? कृष्ण, कृष्ण और कर्ण के लिए मान लीजिए, और संदीपन मुनि के पास मान लीजिए कृष्ण गया, तो कृष्ण ने परिचय दे दिया, मैंने कृष्णो हम, तो मान लीजिए उस संदीपन मुनि उसको क्या करेंगे? प्लुत सर से उसको कृष्ण ना कृष्ण बोलेंगे, और कर्णों को क्या बोलेंगे? कर्णों को जी, कर्णो जब परशुराम के पास गया है तो कर्णो क्या बोलेंगे? मैं कर्णो उदिशूत पुत्र कर्णो हम, तो क्या कर्ण न कर्ण क्या होगा? नहीं वो तो अपना परिचय देगा, पर हम आशीर्वाद देंगे प्रतिभादन देते समय, वो तो गुरु को करना है। उसने उसने तो वाक्य का प्रयोग कर दिया, अभिवादे करणो हम, वहां तो वाक्य का प्रयोग है। अभिवादन में पुलुत करने की आवश्यकता नहीं है, अभी ओ तो मैं ओ मानता हूँ, प्रतिभादन। वास्तव ओ मानता हूँ, ओ मानता हूँ। मेरा कहना है गुरु जी क्या करे, संदीपन मुनि क्या करेगा, परशुराम क्या करेगा, कर्णों को क्या करेंगे, प्लुत करेंगे, और संदीपन मुनि हाँ, कृष्ण को क्या देखिए करेंगे, प्लुत? वाक्य के टी को पुलुत करना है तो आयुष्मान भव देवदत्त, इसमें यहाँ जो जैसे यहाँ पुलुत किया जाता है इस प्रतिविवादे सूत्र, इस वार्तिक इस सूत्र के अनुसार, तो जैसे यहाँ पुलुत किया गया तो वैसे ही कृष्ण आएगा तो कृष्ण का भी पुलुत होगा, वाक्य के टी को पुलुत होगा। जब कर्ण की बात आएगी, उसने यदि नाम गोत्र छिपा लिया है और अपना दूसरा गोत्र है, तो जैसा भी बतलाया है उसका उसी तरह से प्रयोग होगा। उसने छिपाया था वहां पर परशुराम के सामने अपना गोत्र लिया था कर्ण ने, और ब्राह्मण बनकर के गोत्र का उच्चारण करते हुए तो देखिए आप छिपाना और न छिपाना ये आप बात है, आपका व्यक्तिगत मैटर है, ये आपका व्यक्तिगत अपना मामला है। पर यहाँ सूत्रकार भगवान पाणिनि का एक साफ निर्देश है कि जब आप प्रतिवादन करोगे, माने जब आप आशीर्वाद दोगे, जब आपको मालूम पड़ जाएगा वह व्यक्ति अभिवादन कर चुका है, तो अभिवादन करते समय में भी ये नियम था कि यदि ब्राह्मण अभिवादन करता है तो वह कान तक ऐसे हाथ को ले जाएगा, और यदि क्षत्रिय अभिवादन करता है तो हृदय तक,
अपना हाथ नीचे ले जाएगा और सिर झुकाएगा, और यदि वैश्य है, गुप्त है, तो वह कमर तक अपना हाथ रखेगा, दोनों हाथों को कमर तक रख करके और फिर अभिवादन करेगा, उसकी एक प्रक्रिया है। तो उस हाथों के हाथ से जो कान तक लेकर के जाता है तो गुरुजी पहचान जाएंगे कि ये ब्राह्मण कुल का है, और यदि वो वक्षस्थल तक हाथ लेके जाता है और फिर वो अभिवादन करता है तो उससे वो पहचान जाएंगे, और वो छिपा ले जाता है तो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, पर वो जैसा व्यवहार करेगा उसके अनुसार ही उसको उत्तर मिलेगा। तो यह अभिवादन करने में बाकी की टी को उपलुप्त नहीं करता, अपितु प्रतिविवादन माने अभिवादन का जो उत्तर है, आशीर्वाद के रूप में दिया जाने वाला जो उत्तर है, उस समय में जो वाक्य का प्रयोग जब गुरु करेगा तब वह ध्यान रख करके अशूद्र विषय की यदि कोई व्यक्ति कर रहा है अभिवादन तो उत्तर देगा, तो आयुष्मान भव देवदत्त। यहाँ पर देवदत्त शब्द ही अपने आप में यह बतला रहा है कि वह अशूद्र विषयक है, शूद्र विषयक नहीं है, ब्राह्मण विषयक है। अतः उसी तरह से बाकी की टीको यहाँ पर पुलुत हो जाता है, और कुछ नहीं है यहाँ पर, पुलुत होने के बाद कोई संधि इत्यादि कार्य की कोई स्थिति नहीं आ रही है यहाँ पर। अब आगे चलिए, शास्त्रकार सूत्रकार भगवान पाणिनि ने तो सूत्र बनाया सबके लिए, पर स्त्रियां न अभिवाद है गार्गी, हम कोई गार्गी नाम की स्त्री है तो वो अभिवादन कर रही है, तो उसका जब प्रतिवादन करते समय वाक्य का प्रयोग होगा तो वहां पुलुत नहीं हो, स्मृति भव गार्गी नाम ही प्रयोग किया जाएगा, हे गार्गी आयुष्मति भव, तो वहां पर वाक्य की टी को पुलुत नहीं होगा। पाणिनि सूत्र के अनुसार तो यहाँ पर वाक्य की टी को पुलुत प्राप्त है, पर वार्तिककार ने निषेध कर दिया, यदि स्त्री है तो उसको पुलुत करने की आवश्यकता, प्रतिवादन वाक्य में प्रयुक्त जो वाक्य है उसकी टी को पुलुत करना नहीं है, उसका निषेध कर दिया स्त्रियां न। वही लिखा है आगे, नाम गोत्रम बा यत्र प्रतिविवाद वाक्यांते प्रयुज्यते तत्रैव पुलुत इष्यते। ये देखो स्पष्ट लिख दिया ग्रंथकार ने, पुलुत कहाँ किया जाएगा, तो नाम और गोत्र, नाम अथवा गोत्र का प्रतिविवाद वाक्य के अंत में यदि प्रयोग है टी को वाक्य की टी को पुलुत होगा, यह स्पष्ट इन्होंने ग्रंथकार ने लिख दिया है, नाम गोत्र यत्र प्रतिविवाद वाक्यांत प्रयुज्यते तत्रैव पुलुत इष्यते, इसलिए यहाँ नहीं होगा। जैसे देखो आयुष्मान एधि, आयुष्मान एधि, अब यहाँ पर न तो नाम है और न गोत्र है, न तो नाम संज्ञक कोई पद है और न ही गोत्र संज्ञक पद है, तो यहाँ पर प्रतिविवादन तो हो रहा है, बढ़ो आगे बढ़ो हे आयुष्मान, तुम आगे बढ़ो आयुष्मान एधि, पर वह जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, जिसको प्रतिवादन किया जा रहा है, वहां उसका नाम ही नहीं है, ना ही उसके गोत्र का नाम है, तो जहां नाम और गोत्र का उच्चारण होगा वही वाक्य की टीको पुलुत होगा, यह स्वयं भट्टाचार्य जी के प्रश्न का उत्तर ग्रंथकार ने अपने आप दे दिया है, साफ साफ लिख दिया है उन्होंने कि नाम गोत्रम वा यत्र प्रतिविवाद वाक्यांते प्रयुज्यते तत्रैव पुलुत इष्यते नान्यत्र, इसलिए आयुष्मान पुलुत नहीं हुआ। अब वार्तिककार ने एक और वार्तिक क्वेश्चन लिखा, भो राजन्य विषाम वेति वाच्यम, भो शब्द राजन्य शब्द और विष माने विट माने वैश्य, इनका यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां विकल्प पुलुत होगा, बाकी की टीको विकल्प से पुलुत होगा। जैसे देखो आयुष्मान यदि भो हो, भो ये संबोधन का शांत अव्यय है भोस, और उससे बनता है भो। अब यहाँ पर देखिए भो पद का किया गया है, संबोधन सूचक पद का किया गया भो का, तो यहाँ पर हो गया। ऐसे ही आगे देखो आयुष्मान एधि इंद्र वर्मन, वर्मन वर्मन शब्द है,
अब बर्बन शब्द में जो टी अन का जो अकार है उस अकार को क्लुत होगा, यह यहाँ पर वार्तिक के बल पर यहाँ पर क्लुत हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इंद्रवर्मन कोई क्षत्रिय है, इंद्रवर्मा, वह जब अभिवादन कर रहा है, अभिवादन करने के बाद जब उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है ऋषियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, तो उसको यहाँ पुरुत उसी सूत्र से हो जाता। किस सूत्र से? प्रत्यभिवादे शूद्रे, इसी सूत्र से ही अशूद्र विषयक होने के कारण यहाँ पर बाकी की टी को पूरे को पुरुत उस सूत्र से नित्य ही प्राप्त हो रहा है। पर यह वार्तिक कार के नहीं, यहाँ पर जो है विकल्प से होगा, केवल विकल्प कराने के लिए यह वार्तिक यहाँ पर बनाई गई है। तो आयुष्मान इंद्र वर्मान पुलुत भी होगा, टी भी होगा रहेगा, और वर्मान भी कार का ऐसे ही ब्रिट की स्थिति में, माने वैश्य की स्थिति में देख सकते हैं, वैश्य की स्थिति में भी काल है, यहाँ पर भी आयुष्मान है तो पालित शब्द को ब्रिट की किया जाता है, तो इंद्र पालित, तो यहाँ इंद्र पालित यहाँ पुलुत हो जाएगा, को हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा केवल पुरुत विधायक सूत्र है, यहाँ कोई संधि कार्य प्राप्त नहीं है, क्या कि यहाँ केवल पुरुत करने वाला वार्तिक है और वो है। अब हम आगे चलते हैं, पुरुत करने वाला एक और वाक्य सूत्र लिखते हैं, देखते हैं, दूरा धूते च। अभी तक तो अभिवादन और प्रतिवादन में बाकी टी को प्लुत करने के लिए ये प्रकरण चला था। आप किसी को बुलाएं, है ना, दूर से किसी को बुलाना है, दूरा और धूते, धूते नहीं है, हूते है, हूतम शब्द यहाँ पर त प्रत्यांत, ये सप्तमी एकवचनांत, हूते हूते श्याम से पुरुष वर्ण होकर के ह को ध होकर के धूते बन, ये सूत्र का कि दूरा दूर से संबोधन करना हो और संबोधन करते समय जो वाक्य का होगा, या अभिवादन वाली स्थिति नहीं, अब तो केवल बुलाना, अभिमुखीकरण को और तो आकृष्ट करना है ना, जिस वाक्य के द्वारा के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो सूरत संबोधन है वाक्यम तस्य टे पुरतः स्यात्, उस वाक्य की टी को, जैसे उदाहरण देखिए, सत्तून पिव देवदत्त। अब कोई व्यक्ति है और कहीं खेत खलियान में दूर स्थिति में कोई काम कर रहा है, तो कोई दूर से आवाज लगा रहा है, सत्तून पिव देवदत्त। अब यहाँ पर बाकी का जो टी है तकारोत्तरवर्ती अकार, उसको इस दूरा दूते च सूत्र के द्वारा पुलुत हो जाएगा। तो ये दूर से बुलाने, संबोधन करके जो वाक्य का प्रयोग होता है बुलाने के लिए, या संबोधन करने के लिए जो वाक्य का प्रयोग होता है उसकी टी को पुलुत करता है, और वो इससे पहले वाला जो सूत्र है वह प्रतिवादन की स्थिति में बाकी की टी को पुलुत करता है, और एक और बाकी की टी को पुलुत करने वाला सूत्र आ रहा है, हैये प्रयोगे हैयो। यहाँ कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं है, केवल अभी यहाँ कोई संधि इत्यादि का भी कार्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हैये प्रयोगे हैयो, हई और हे दोनों ही संबोधन सूचक ये अव्यय है, और इन दोनों का प्रयोग यदि हो रहा है तो बाकी की टी को पुरुत के इन पुरुत होगा, एतयो प्रयोगे दूरा धूते वाक्यम तई तत्र हयोरे पुरुत स्यात् नान्य पुरुत। और गाना
वहां यदि हे का और हई का प्रयोग हो जा रहा है, वो चाहे भले ही टी संज्ञक हो या न हो, वहां टी संज्ञक वाला नियम नहीं चलेगा। जैसे देखो, हे राम और राम हई, राम हे और हे राम। अब हे राम में जो है, हई राम में जो है, टी कहाँ है? टी नहीं है। तो संबोधन सूचक हे और हई शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने कंठतः सूत्र में कर दिया, अतः उसी हे और हई शब्द का जो टी है उसी को प्लुत होकर के हई राम राम हे इस तरह से वहां पर प्लुत हो जाएगा। यहाँ पर टी वाली बात नहीं है, यह सूत्र नियम नियमार्थ है वैसे तो, कि हे गुरु और जी, हई एक शब्द का जिज्ञासा, तो। गुरु जी हाँ काची जिज्ञासा, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे रे और ए इसका क्या होगा? उसके लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल हे और हई इन दोनों शब्दों के बारे में ही इन्होंने कहा है। अब अरे है या कोई रे है या कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कोई विधान नहीं है, कोई उसका नियम नहीं है। वहां तो बाकी का जो टी होगा उसको ही प्लुत होगा, और जहाँ हे और हई का प्रयोग है तो वहां हे और हई के ही टी को प्लुत होगा, ऐसा इस सूत्रकार का अभिप्राय है। और इसका जहाँ नहीं है, मतलब ये है, ये रे कृष्णा और हाँ रे वहां तो हाँ कृष्णा ऐसा होगा? दूरा दूतेच से बाकी के टी को प्लुत हो जाएगा। ठीक है ठीक है हाँ वहां तो दूरा दूतेच है ही, सूत्र स्पेशल है उसके लिए। पर ठीक हे और हई का प्रयोग हुआ तो वहां टी को नहीं देखा जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। जैसे हे राम, अब हे राम में आप देखिए, हे शब्द पहले प्रयोग हो गया या हई शब्द प्रयोग हो गया पहले, तो यहाँ टी तो नहीं है, पर फिर भी यहाँ प्लुत करना है, क्योंकि सूत्रकार ने स्पेशल इसका व्यक्तिगत कंठता इसका इन दोनों का नाम का उच्चारण कर दिया है, तो इनको इनकी वाक्य की टी को प्लुत यहाँ पर इस सूत्र से हो जाएगा। अस्तु, अब आपने देखा कि पुलत प्रक्रिया नित्यम, इस प्रकृति भाव के प्रकरण में जो सबसे पहले सूत्र आया था, पुलत प्रक्रिया नित्यम, पुलता प्रक्रियाश्च वक्षन्ते तेज परे नित्यम प्रकृत्याशिहु, तो उसमें उन्होंने उदाहरण देकर के कल ये समझाया, उदाहरण भी दिया, पर प्रगृह संज्ञक कौन है ये नहीं बतलाया, पुलुत संज्ञक कौन है अब उसको भी अब जाकर के इन्होंने ये बतलाया है कि ये इस तरह से पुलुत होता है। यहां पर यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए, इस पुलुत विधान वाली स्थिति में, कि यहाँ पुलुत करने का क्या औचित्य है, और यहाँ प्रकृति भाव की स्थिति इन सूत्रों को इस प्रकरण में क्यों रखा गया। यहाँ एक भी ऐसा प्रयोग नहीं आया जहां पर कोई प्रकृति भाव हुआ हो, केवल पुलुत कर करके आप आगे चले जा रहे हैं, प्रकृति भाव की स्थिति तो यहाँ कोई ऐसी आ नहीं रही है। और इससे पहले जो कल चर्चा चली थी हमारी, वहां हम रित्य का सूत्र ला रहे थे, तो सवर्ण साकल्य से ह्रस्व से सूत्र बता रहे थे, वहां पर भी ह्रस्व की बात थी, ह्रस्व के बाद प्रकृति भाव न हो, पर पुलत प्रक्रिया नित्यम जो प्रथम सूत्र था उस सूत्र का अभी तक कोई उदाहरण आया नहीं। अभी तक न तो अभी अभी आगे जो सूत्र आ रहा है वह सूत्र जो है पुलुत विधायक सूत्र है, और उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां भी कोई भी संधि कार्य इत्यादि की स्थितियां नहीं है, न तो प्राप्त हो रही है। उसी सूत्र को हम अब लाना चाहते हैं, गुरो रनिर्तो नन्तस्या पेकी कस्य प्राचाम। यहाँ पर दूरा दूते च पूरा सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, वाक्यस्य टे पुलतस उदात्तः इस सूत्र का अधिकार आ रहा है, और
तो ये अर्थ निकलता है कि दूरा धूते यद वाक्यम तस्य ऋद भिन्नस्य अनंतस्यापि गुरुर्वा पुरुतस्याप। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, सूत्र में षष्ठी प्रथमावी पद सारे स्पष्ट हैं। गुरोः और अनृतः और अनंत्यस्य और एकैकस्य, ये तीनों चारों पद षष्ठ्यंत हैं, प्रथमी क्वचनांत हैं। अपि यह जो अव्यय अव्यय है प्राचाम आचार्याणाम मते, अर्थात विकल्पे न, नवीना नाम आचार्याणाम मते नास्ति, प्राचाम आचार्याणाम मते एतत् सूत्रम पुलुत विधायकम सूत्रम वर्तते, कि दूरा दूते यदि वाक्यम, ये जो कहते हो ऊपर से चला रहा है, तस्य पुलुत स्यात्। अब इस सूत्र ने कह दिया कि ऋद भिन्नस्य, यदि वह ऋद भिन्न है और अनंत्य है अर्थात टी संज्ञा नहीं हुई है और बीच में ही भी आदि में भी यदि प्रयुक्त है तो उसको विकल्प से प्लुत होगा। जैसे एक शब्द है देवदत्त, अब देवदत्त शब्द में देवदत्त को हमें बुलाना है, दूर से हमें बुलाना है तो देवदत्त शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बाकी की टी को प्लुत तो पूर्व सूत्र से हो जाएगा, इससे दूरा दूते जे सूत्र से, देवदत्त तकारोत्तरवर्ती यकार है उसको तो प्लुत हो जाएगा, किससे दूरा दूते च इस सूत्र से ही हो जाएगा। अब तसे पूर्व में जो दो अक्ष हैं, दे में ए है और व में अ है और द में अ है, ये अनंत्य अकार है, तो अनंत्य अकार को पुलुत करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है कि ऋद भिन्न है और अंत में नहीं है, आदि में है या मध्य में है, तो ऐसे अच को भी पुलुत करने के लिए, और लिख दिया एकैकस्य। एकैकस्य का मतलब होता है एक एक करके, एक साथ नहीं, एक बार में एक एक ही अच को पुलुत होगा। जैसे देवदत्त शब्द है तो देवदत्त शब्द में पहले हमने दूरा दूते च सूत्र लगा करके उसको बुलाने के अर्थ में तकारोत्तरवर्ती अकार जो टी संज्ञक है उसका हमने पुलुत कर लिया, तो देवदत्त तको तमे अ को पुलुत कर लिया। अब हमने द को पुलुत करना है तो और कोई अच पुलुत नहीं होंगे, देवदत्त। अब यहाँ पर द में अ को हमने पुलुत कर लिया, अब फिर हमने और पुलुत करना है तो देवदत्त, दे में ए को पुलुत कर लिया और देवदत्त, इस तरह से हम पुलुत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह सूत्र बहुत सरल है, पर इस सूत्र को इसका उदाहरण भी बहुत सरल है, बस केवल ध्यान देने की बात है कि कहाँ किस तरह से प्रयुक्त होना है। तीनों उदाहरण इन्होंने दे दिए, देवदत्त दे देवदत्त और देवदत्त, इस तरह से तीनों का उन्होंने एक एक करके अलग अलग करके उदाहरण दिया। अब ये कहते हैं कि गुरो हो, गुरु संज्ञक होना उसका जरूरी है, इसलिए वकारोत्तरवर्ती अकार है उसको प्लुत नहीं होगा। आदि और मध्य में यदि गुरु संज्ञक है, उसकी गुरु संज्ञा हो रही है, अर्थात या तो संयुक्त अक्षर पर में है तो पूर्व जो ह्रस्व है उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है, या फिर वास्तव में गुरु संज्ञक कोई अक्षर पूर्व में है तो उसको प्लुत होना है। तो यहाँ पर देवदत्त में वकारोत्तरवर्ती अकार को प्लुत नहीं हुआ, अपितु दे में ए को प्लुत हो गया गुरु होने के कारण, और दत्त में दकारोत्तरवर्ती अकार जो ह्रस्व है उसको भी प्लुत हो जाएगा, क्योंकि गुरु है संयुक्त अक्षर पर में आगे है तो पूर्व वाला ह्रस्व वर्ण भी गुरु संज्ञक हो जाता है। ह्रस्वं लौ दीर्घं दीर्घं च, दीर्घं च गुरु संज्ञम स्यात्। तो इस तरह से यहाँ हमने तीनों को उदाहरणों को देखा। अब कहते हैं गुरो किम, वही लिख रहे हैं वकारात् परस्याकारस्य माभूत, गुरो नहीं कहेंगे तो देवदत्त में जो वकारोत्तरवर्ती अकार है, वकारात् परक जो अकार है जो ह्रस्व है वो गुरु नहीं है, तो उसको भी प्लुत होने लगेगा, इसलिए गुरो का। अन्यथा किम, रित भिन्न हो ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहा
कृष्णो, कृष्ण में क्री में जो री है वह गुरु है, पर वह ऋकार है, ऋकार को गुरु होते हुए भी ऋकार को प्लुत नहीं होगा, इसलिए कृष्ण में केवल नकारोत्तरवर्ती यकार है, उसी को दूरा धूते चेष वार्तिक इस सूत्र के द्वारा पुलुत हो जाएगा। तो कृष्ण, ये कृष्ण शब्द का प्रयोग पहले से ही श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी ने यहाँ पर किया है, कृष्ण शब्द के में, कृष्ण शब्द में नकारोत्तरवर्ती यकार को प्रकृति भाव यहाँ पर करके दिखाया है, उदाहरण दिया है उन्होंने। पुलुतः विकल्पते, एक मिनट, हाँ, अब ये कहते हैं एकैक ग्रहणम पर्यायार्थम, सूत्र में एकैकस्य लिखा हुआ है, तो उस एकैकस्य का मतलब क्या है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि एकैक ग्रहणम पर्यायार्थम यह प्राचाम इति योगो विभज्यते, यहाँ पर प्राचाम अलग करके योग विभाग करके सूत्र बना देते हैं, गुरोरनृतोरनृतस्यैकैकस्य अलग बना देंगे और प्राचाम करके अलग लगा बना देंगे, तो प्राचाम जब अलग योग विभाग बन जाएगा तो उस सूत्र में पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति हो जाएगी, और योग विभाग करके प्राचाम का मतलब है प्राचाम आचार्याणाम मते, न तो नवीनाम आचार्याणाम मते, अतः विकल्प अर्थ निकल आया, किसी के मत में होगा किसी के मत में नहीं होगा, अर्थात विकल्प से होगा, तेना सर्वः पुलुतो विकल्प्यते, इसलिए किसी भी प्रकार का पुलुत देख लीजिए, यहाँ पर जो पुलुत विधायक जितने भी सूत्र हैं सब विकल्प से ही पुलुत करेंगे, यह बात यहाँ पर निकल करके आती है। अभी पुलुत प्रकरण आगे चलेगा, पुलुत प्रकरण का भी उदाहरण आगे आ रहा है, तो आज हम पाठ यहीं पर पूरा कर देते हैं और अपलुत वदुपस्थिते सूत्र को कल बताएंगे, आज यहीं पर ही कक्षा पूर्ण कर लेते हैं। गुरुदेव, यहाँ जो री से री हाँ अंत पूछिए। जो है उससे री का भी करण होगा या सिर्फ री का? तपक नहीं, री का ही बोध होगा। ग्रहण से हाँ री तपक ग्रहण सामर्थ्यात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तत्परस्त तत्कालस्य, अच्छा जी, हाँ ये यहाँ री को मत ले आना। गुरु जी एक आवेदन है, गुरु जी एक हाँ आवेदन है। मान लीजिए गत बोलिए कक्षा बोलिए। का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, गत कक्षा का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, गत कक्षा आज का रिकॉर्डिंग। अभी 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 आ जाएगा, गत कक्षा का भी आ जाएगा और इस कक्षा का भी रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, ठीक समूह में आपको मिल जाएगा, समूह में डाल दें, ठीक 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 है। और कोई विशेष प्रश्न है? गुरुदेव, समझ में नहीं कई कई हाँ पूछ, पर्याय अर्थम प्राचाम मत योग विभजते, इसका थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। हाँ सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, यह सूत्र जो है गुरोरनृतोरनृतस्यैकैकस्य प्राचाम, इस सूत्र में योग योग विभाग किया भाष्यकार ने, और उन्होंने गुरोरनृतोरनृतस्यैकैकस्य इति एकम सूत्रम और प्राचाम इति अन्यत सूत्रम, अब वहां प्राचाम में पुलतः की अनुवृत्ति आएगी, प्राचाम मते पुलतः स्यात् नान्य मते, माने इससे क्या मतलब निकला कि किसी के मत में, मतलब प्राचीनों के मत में हो रहा है तो वह भी हमारे आचार्य हैं, वह भी हमको, हमें मान्य है, और प्राचीनों से अतिरिक्त जो नव्य आचार्य हैं उनके मत में नहीं होना है, तो नव्य आचार्य भी हमें मान्य हैं, तो हम अर्थतः ये निकाल लेते हैं कि दोनों का मत हमको स्वीकार्य है, प्राचीन आचार्य भी हमारे आचार्य हैं और जो प्राचीन नहीं है नव्य हैं, प्राचीन से अतिरिक्त हैं वह भी हमारे आचार्य हैं, तो हम दोनों मतों का समन्वय विकल्प से कर लेंगे, विभाषा से कर लेंगे, मतलब कि होगा भी और नहीं भी होगा, हो गया तो प्राचीन आचार्यों का मत हो गया, नहीं हुआ तो नव्य आचार्यों का मत हो गया, दोनों ही मत हमें स्वीकार्य है। धन्यवाद। सर्वः पुरुतः साहसं
अनिच्छता विभाषा वक्तव्या, यह कोई वार्तिक थी भाष्यकार की। सर्व प्लुत साहसम अनिच्छता विभाषा वक्तव्या, उस भाष्य की वार्तिक को यहाँ पर चर्चा की गई है। टीकाकार ग्रंथों ने ऐसा कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनकी भक्ति, जिनकी श्रद्धा प्राचीन आचार्यों में है, वो तो वहां पुलुत कर लेंगे, और जिनकी भक्ति नव्य आचार्यों में है वो पुलुत नहीं करेंगे, और दोनों ही प्रामाणिक हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां पुलुत होना और न होना, हो गया है तो प्राचीन आचार्यों के मत से हो गया, नहीं हुआ तो नव्य आचार्यों के मत से नहीं हुआ, अर्थात विकल्प हो गया, हो भी गया और नहीं भी हुआ, ये मतलब है यहाँ पर। और कोई खास कोई संधि कार्य इत्यादि यहाँ कोई प्राप्त नहीं है, केवल पुलुत विधायक सूत्र हैं, और पुलुत विधायक कहाँ किस तरह से पुलुत होना चाहिए इसकी व्यवस्था करने के लिए इन सूत्रों को यहाँ पर ला करके रखा है। और कोई ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं 9 बजे और रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा गुरुजी। हाँ हाँ अवश्य 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 आएगी, रिकॉर्डिंग जरूर आएगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमो नमः सर्वेभ्यो।